उत्तराखंड के बाद अब दक्षिण के राज्य कर्नाटक में भी सीएम बदलने की मांग उठने लगी है। कर्नाटक के बीजेपी विधायक यतनाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री 100% बदला जाना चाहिए। देखिए कर्नाटक में मचे घमासान पर ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पार्टी ने तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का सीएम बनाया है। उत्तर भारत के उत्तराखंड के बाद अब दक्षिण के राज्य कर्नाटक में भी सीएम बदलने की मांग उठने लगी है। कर्नाटक के बीजेपी विधायक बसनगौड़ा यतनाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री 100% बदला जाना चाहिए। यतनाल ने कहा कि हम इस सीएम के साथ चुनाव में नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि इस बात से जनरल सेक्रेटरी भी अवगत होंगे। बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि यदि पार्टी यह सरवाइव करना चाहती है तो मुख्यमंत्री को बदलना ही होगा। बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपने से कई अधिक कम सीटों वाली जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रह गई। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने जेडीएस को मुख्यमंत्री पद भी दे दिया था। एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, लेकिन वह सरकार विधायकों के असंतोष और इस्तीफे के कारण अल्पमत में आ गई। कुमारस्वामी को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कुमारस्वामी के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने सरकार बनाई और बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। अब बीजेपी में भी सीएम को लेकर असंतोष दिखने लगा है। यतनाल ने खुलकर सीएम बदलने की मांग कर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी पार्टी के अंदर मची कलह को कैसे शांत कराती है, या कर्नाटक में भी उत्तराखंड जैसा सियासी घटनाक्रम देखने को मिलेगा। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज़।